अगली खबर का करौली में परिवहन विभाग के अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की अंधेर गर्दी कहे या यूं कहें कि मिले भगत का शर्मनाक उदाहरण सामने आया है। ऐसी निजी बसें करौली से दिल्ली तक दौड़ रही हैं जिनका ना रजिस्ट्रेशन है, ना फिटनेस है और ना ही बीमा है। सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डालकर दौड़ने वाली बस की स्थिति का खुलासा हिंडौन में चेकिंग के दौरान हुआ। हालात उस वक्त और गंभीर दिखे जब बस के नंबर की जाँच की गई तो बस पर लिखा नंबर उत्तर प्रदेश के एक ट्रक का निकला। उधर चेकिंग के वक्त बस चालक और परिचालक मारपीट को उतारू हो गए। हालांकि मौके पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचने पर बस को जब्त कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बस कई महीनों से करौली से दिल्ली तक कैसे दौड़ रही थी, क्यों नहीं इसकी पड़ताल की गई, क्यों नहीं इस तरह की बसों को रोका जाता और क्या वाकई में यहाँ पर मिली भगत का एक बड़ा खेल है। एक बड़ा हादसा करौली में हुआ था। एक स्कूल की बस से बच्चों को ले जाया जा रहा था तो वो बस इतनी जर्जर अवस्था में थी कि बस की फर्श टूट जाती है और वो बच्चा नीचे गिर जाता है, उस मासूम की जान चली जाती है। और उसके बाद परिवहन विभाग की तरफ से तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें कही जाती, दावे किए जाते हैं कि बसों की जांच की जा रही, लेकिन कैसे ये निजी बसें दौड़ रही हैं तमाम नियमों को दरकिनार कर धता बताते हुए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, उसकी एक और वानगी देखने को मिल रही है। समय समय पे चेक किया होगा, हो सकता है अगले ने कोई फर्जी कागज पेश किए हो टैक्स के। मैं ये नहीं कह सकता कि चेकिंग कर रही है तो सभी कर, क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यू हमने भी इसको चेक किया है पहले, लेकिन इस तरह का हमारे को तथ्यात नहीं लगा। गाड़ी हिंडौन से लेके और देश की राजधानी तक चल रही है लेकिन कहीं भी कोई जाँच नहीं। हमने तो जाँच करी साहब पहली बार और जाँच करते ही पकड़ी गई। हमारे इसको शक तो डाउट तो हो रहा था सिटी में, हमेशा ये बस हमें सिटी में मिलती थी, सिटी की वजह से हम इसको आगे चेक करने की कोशिश करते तब तक ये स्पीड पकड़ जाता और रवाना हो जाता, बॉर्डर क्रॉस कर जाता। तो करौली में परिवहन विभाग के हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और एक मुहिम चलाई थी कि जिस तरह से नियमों को दरकिनार करके ये गाड़ियां ये बसें सड़कों पर दौड़ती रहती हैं, उन पर लगाम लगाई जाए, उनकी जांच करवाई जाए और तब बड़ी बड़ी बातें कही गई। लेकिन एक के बाद एक कई खुलासे होते हैं जो परिवहन विभाग की लापरवाही या यूं कहें कि भ्रष्टाचार को उजागर करती दिखाई देती हैं। और एक और ट्रक पकड़ा गया है, बस पकड़ी गई है। तो आपको बता दें कि निजी बस का फिटनेस नहीं था यहां पर, उसका नंबर भी गड़बड़ था, उत्तर प्रदेश के एक ट्रक का नंबर था उसके ऊपर। लेकिन सवाल यह है कि कैसे ये कई महीनों तक करौली से दिल्ली तक दौड़ती रही जिसमें ठूस ठूस कर मुसाफिरों को बैठाया जाता रहा, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ये सफर मौत का सफर साबित हो सकता था। तो करौली में जिम्मेदारों की अंधेर गर्दी देखने को मिल रही है, अंधेर नगरी यहां पर है ये कहे तो गलत नहीं होगा। भ्रष्टाचार और मिली भगत की शर्मनाक तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें पहले एक मासूम की जान चली जाती है, तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है। जब फर्स्ट इंडिया उस खबर को प्रमुखता से उठाता है, जिम्मेदारों से सवाल जवाब करता है, तब जाकर के जांच की बात सामने आती है और कार्रवाई के तौर पर स्कूल का लाइसेंस रद्द किया जाता है। लेकिन ऐसी जो बसें और दौड़ रही है, जो ऐसे और वाहन दौड़ रहे हैं, उनको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। हमने उस दिन परिवहन मंत्री से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम बहुत संजीदा हैं लोगों की जिंदगी को लेकर के और गलत तरीके से जो भी गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उस पर नकेल कसी जाएगी, हम फौरन एक्शन लेंगे। सभी जिलों में हम निर्देश देंगे अधिकारियों को कि इसको लेकर संजीदा रहें। लेकिन कैसे इन तमाम गाड़ियों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि चेकिंग जब होती भी है तो कुछ पैसे लेकर छोड़ दिए आते, कई दफा ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए। मनोज, एक बड़ा हादसा हुआ, एक मासूम की जान चली गई, लेकिन क्या उसके बावजूद हम नहीं जागे? जी बिल्कुल, जो रात को घटना हुई है उससे यही नजर आता है कि बड़े हादसे के बाद भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहे। जो करौली से दिल्ली बस जा रही थी, इसको हिंडौन में चेक किया गया, बस पर रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, पंजीयन आदि कागजात नहीं मिले और हास्यास्पद स्थिति या शर्मनाक स्थिति ये कही जाएगी कि बस जिस नंबर प्लेट जो बस पर लगी हुई थी वो नंबर प्लेट किसी ट्रक की थी जो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। तो ये बयां करते हैं स्थिति, किस प्रकार के हालात है, कैसे अंधेर गर्दी है कि ट्रक के नंबरों से बस करौली से दिल्ली तक दौड़ रही है और जिसकी कोई चेकिंग या कोई जाँच नहीं हो पा रही है। अब क्या कुछ कहना है यहाँ पर डीटीओ का या फिर परिवहन विभाग का?
जी, परिवहन निरीक्षक की जिस प्रकार हमने दिखाया भी है, उनका कहना है बस को जब्त कर लिया गया है, और डीटीओ का भी जहां तक कहना है कि निरीक्षण तेज कर दिया गया है और सारे बसों की, सारे व्हीकल्स की जांच की जाएगी। और स्कूलों की जो गाड़ियां हैं उनको लेकर क्या कुछ अब तक कार्रवाई हो चुकी है? सभी स्कूलों की गाड़ियों की जाँच हो चुकी है? जी, ये बताना चाहूंगा, स्कूलों की गाड़ियों की जाँच उसी दिन शुरू हो गई थी, दो दिन तक जाँच अभियान चला और करौली हिंडौन सहित अन्य स्थानों पर जांच की गई और उसमें कई सारी बसें ऐसी पाई गई जिनकी फिटनेस नहीं थी। इस मामले में कलेक्टर ने भी आदेश जारी किए और एक समिति बनाई गई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों, परिवहन विभाग के अधिकारियों की, और सारे स्कूल की विद्या वाहिनी बस जो है उनकी चेकिंग की जा रही है और जहां जहां खामियां पाएंगी उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए और सारी बसों को अपडेट करके ही चलवाया जाएगा। अच्छा, और ये जो बस पकड़ी गई है इसके मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक? जी, इसमें जो परिवहन निरीक्षक ने बाइक दी है, जो हम लोग को बताया है, उनका कहना यह है कि किसी प्रकार के कोई कागजात नहीं मिले हैं, चालक परिचालक मौके से भाग गए थे, इसलिए मालिक जब इस बस को लेने छुड़ाने आएगा उसके बाद में स्थिति क्लियर हो सकेगी किसकी बस और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।